अंकित आपका ऑन पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। 2019 में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद आज उन्होंने अपना पहला यूनियन बजट पेश किया है। इस यूनियन बजट की खास बात यह रही कि पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री ने इसे पेश किया था और हर बार की तरह इस बार इसे ब्रीफकेस में नहीं बल्कि पारंपरिक तरीके से एक लाल कपड़े में बांध कर लाया गया था। तो आइए जानते हैं इस बजट से कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। अगर हम सोने के व्यापारियों की बात करें तो पहले टैक्स 10% था जो अब बढ़कर 12.5 कर दिया गया है। इसी के साथ पेट्रोल और डीजल में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पे बीजेपी का दावा है वो हर घर हर जल योजना लेके आए हैं जिसके मुताबिक वो हर घर में जल पहुंचाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने सिक्कों की नई सीरीज भी की है, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के लॉन्च किए गए हैं। ये थी 2019 के पहले बजट की कुछ हाइलाइट्स। हमने जनता से जाना कि उन्हें इस बजट से क्या नुकसान हुआ क्या फायदा। तो आइए जानते हैं जनता से। जो बजट रिलीज हुआ उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आज जो बजट आया है उसमें है ना गोल्ड का रेट बढ़ गया है, उससे है ना कस्टमर में बहुत फर्क पड़ेगा, स्लो हो जाएगा मार्केट, एकदम स्लो हो जाएगा। पहले से जून महीने के हिसाब से स्लो ही चल रहा है और भी है ना मार्केट स्लो हो जाएगा। डायरेक्ट 700 रुपये का जंप मारा है गोल्ड ने, जो कि बहुत है ना खराब हुआ है, कम होना चाहिए था उसी का है ना उन्होंने बढ़ा दिया है, उसके हिसाब से धंधे पे बहुत असर पड़ेगा जी। और सर 10% जो था आज तक और उसको आज 12.5% कर दिया, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? भाई 2.5% बढ़ने से डायरेक्ट गोल्ड 700 रुपये जंप कर दिया है, तो जंप करने के कारण कस्टमर में बहुत फर्क आएगा, जो गिरकी है वो कम हो जाएगी, उसके हिसाब से है ना बहुत फर्क पड़ेगा। तो सर आप सोच सकते हो कि इसके बाद वो चेंज हो सकता है शायद मार्केट मूवमेंट में, तो आगे चेंज करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, इस बार वापस सोचना चाहिए और ना कम करना ही चाहिए, वापस 10% से अंदर भी जाना चाहिए वो। जी जी। और सर ओवरऑल देखे तो आप बजट से खुश है? एक्चुअली मीडियम पब्लिक के लिए बजट है ना, आम बजट है ना आया नहीं है, ओनली या तो है ना कृषि डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर है ना ये बजट है, उसके लिए बजट है, पर उसके अपना जो मीडियम सेक्टर है उनके लिए कोई बजट में कोई खास ना आया नहीं है। जी जी धन्यवाद सर। सो मैम आज जो बजट रिलीज हुआ उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो बजट हुआ वो सिर्फ पैसे वालों के लिए तो अच्छा ही है जी जी, जो मीडियम क्लास गरीब के लिए भी उन लोगों का तो कोई मायने रखता ही नहीं है जी जी, जो है वो मिडिल क्लास को ही सब करना पड़ेगा। सो मतलब आपके हिसाब से आप ये बजट से हैप्पी नहीं? नहीं। सो मैम मतलब आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बुरी लगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ आनी चाहिए थी? इतना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो किसानों के लिए जो देखा आपको एकदम नहीं अच्छा, वो जो है जो अपना देश है वो किसान के ऊपर ही है जी जी, जबकि वो किसान ही एकदम बेचारा नाराज होगा तो बजट चाहे अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई। और मैम अगर देखा जाए ऑल ओवर तो जैसे कि आप बजट जो है लोगों की कोई लोग खुश है कोई लोग ना खुश है, तो क्या आप इसमें एक चीज़ कह सकते हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये जो उन लोग ने बजट रिलीज किया उस पर चेंजेस होने चाहिए? हाँ होनी चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट तो सही है लेकिन उनका जो डिसीजन है बजट का वो थोड़ा लोगों के हिसाब से नहीं सोचा ऐसा लग रहा है, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा पर लोगों का नहीं सोचा। ओके थैंक यू मैम। सर जो आज बजट रिलीज हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या कहना है? आज का बजट बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जो उन्होंने GST रिड्यूस किया इट विल हेल्प ऑल द व्हीकल होल्डर्स और प्रमोट करेगा तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। और सर ओवरऑल देखिए अगर सर आम आदमी लोगों के लिए क्या ये बजट खुश रहने जैसा है? टैक्स में आम आदमी जो हमेशा हर बार देखता है वो फरवरी में ही दे दिया गया था जो एडिशनल देना था, अभी अगले 2 साल में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 8 लाख तक के स्लैब में 10% करे और 8 से 15 लाख के बीच में 20% करे, इस बार के बजट में वो नहीं हुआ है। और सर ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा आपको बजट में कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी? बुरी तो अभी यही लगता है पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है वो बुरा लगता है, बाकी अच्छी चीज़ ये है कि विकास लक्ष्य है तो इट्स बेटर गुड फॉर द कंट्री। तो आप सर ये जो मोदी सरकार का बजट है उससे आप खुश है सर? डेफिनेटली यस। थैंक यू सर। थैंक यू। उसके ऊपर आप क्या राय? Other taxes, like you have state tax on petrol, you have central tax on petrol, that if they have produced the revenue, increasing road tax, so that's a necessity. Okay. But the state government, they can reduce some of the taxes, that would have okay, so according to you, petrol, the gold price and everything doesn't matter a lot to you?
but you think is GST taxes should be reduced. Okay. And GST, does not come under GST. Yeah. It doesn't come under GST. It's not centralized. It should be come under centralized purchase. Okay, so that should be applicable. That should be applicable. Okay. It should be applicable on petrol. Should be applicable on petrol. Then only go the petrol prices reduce. Otherwise, if you go on, increasing the state tax as well as the central tax, the property tax, then it says on that. So normal people like me, and it's not going to be affordable. Okay. So according to you, the budget is quite good, but there are certain things which needs to become under central tax and everything. Okay, thank you, sir. जो बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जो बजट रिलीज किया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बजट के ऊपर 0.25 तो मतलब आप कहना चाहोगे कि ये ऑल बिजनेस को डाउन करने का एक ये रिजल्ट है? बिजनेस को तो एक्चुअली रेट गोल्ड का बढ़ा है, उसकी वजह से तो बिजनेस डाउन ही हो रहा है. ये गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट जो ड्यूटी 12.5 करने से तो और रेट जो गोल्ड का जो बढ़ रहा है वो बढ़ने की वजह से और तकलीफ हो गई है. अभी तकलीफ ये है कि कस्टमर आने ही बंद हो. जी आना ही बंद हो गया, आएगा ही नहीं. तो आपके हिसाब से ये बजट से आप खुश नहीं है? जी मैं तो ये बजट से अभी तक फिलहाल खुश नहीं हूँ. आगे आप देखोगे, अगर मार्केट में अगर इम्प्रूवमेंट मिला तो आप खुश रहोगे? हाँ, वही देखेंगे मार्केट में क्या है, मार्केट कैसा आप होता है तो उसके हिसाब से पता चलेगा. मार्केट में कस्टमर का आना जाना रहेगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे. कस्टमर आएंगे तो हमारे को भी आज मेजोरिटी मिलेगा. कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हमारा धंधा पहले से ही ठप है और ठप हो जाएगा. आपने देखा ये बजट किसी के लिए अच्छा था तो किसी के लिए खराब. आम आदमी का ये कहना है कि ये बजट उनके लिए कुछ खास नहीं था, और वहीं पे किसानों का भी ये मानना है कि उनके लिए भी इस बजट ने कुछ खुशहाली नहीं लाई है. और सोने के व्यापारी तो इस बजट से बिल्कुल ही निराश हैं. और खबर के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल ऑन पॉइंट के साथ. जब तक के लिए मैं अंकित आपसे विदा लेता हूँ.